हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। तो अब हम सीन टू जानेंगे। सीन वन में हमने देखा कि किस तरह से बच्चे गार्डन बनाने के लिए उस प्लॉट को यानी उस खाली ज़मीन को गार्डन बनाने के लिए रेडी हो गए और वो लोग अब जा रहे हैं कहाँ, मिस्टर नारायण से बात करने। द पार्क हैज़ चेंज्ड। ऑन वन साइड इज़ अ वुडन गार्डन बेंच। पार्क जो है वो बदल गया है, अब उसमें एक साइड लकड़ी का गार्डन का बेंच है। नाउ द पार्क नाउ हैज़ पॉटेड प्लांट्स, बुशेज एंड अ टायर स्विंग। अब उस पार्क में प्लांट्स आ गए हैं, बुशेज आ गए हैं और झूला भी आ गया है टायर का। चिल्ड्रन एंड सम अदर नेबर्स आर बिजी इन क्लीनिंग, वीडिंग एक्सेट्रा। विकास, अतुल एंड जय एंटर। बच्चे और कुछ पड़ोस के भी लोग अपना सफाई करने में बिजी हैं और घास फालतू का जो है उसे निकालने में। और इसी के साथ विकास, अतुल और जय एंटर होते हैं, मतलब आते हैं गार्डन में। नाउ अतुल ने कहा, आई वंडर वॉट इज टेकिंग देम सो लॉन्ग। प्रिया एंड विकास हैव बीन गोइंग फॉर मोर देन 2 आवर्स टू मीट मिस्टर नारायण एट हिज ऑफिस। अब अतुल ने कहा कि पता नहीं उनको इतना टाइम कहाँ लग रहा है। प्रिया और विकास गए हैं 2 घंटे से मिस्टर नारायण के ऑफिस में बात कर रहे हैं। अमन, मिस्टर नारायण इज़ अ डिफ़िकल्ट पर्सन। मिस्टर नारायण थोड़े डिफ़िकल्ट पर्सन है, वो जल्दी नहीं मानेंगे। जय, सो इज़ प्रिया। इफ़ एनीवन कैन परसुएड मिस्टर नारायण टू लेट अस यूज़ हिज प्लॉट एज अ पार्क, इट्स शी। तो जय ने कहा कि प्रिया भी डिफ़िकल्ट पर्सन है, वो भी हार नहीं मानेगी। अगर कोई मिस्टर नारायण को उनके प्लॉट को पार्क बनाने के लिए मना सकता है तो वो प्रिया ही है। अतुल, शी नोज़ अ लॉट अबाउट द एनवायरमेंट एंड ऑल द स्टफ। उसे एनवायरमेंट के बारे में और इन सारी चीज़ों के बारे में काफ़ी कुछ पता है। प्रिया एंड विकास एंटर द पार्क रनिंग। दे प्लॉन्क डाउन ऑन द बेंच। वो बेंच पे बैठ जाते हैं पार्क में आके, प्रिया और विकास। प्रिया बोलती, ही डिडंट वॉन्ट टू लिसन टू अस, ही डिडंट हैव द टाइम। प्रिया कहती कि वो हमें सुनना ही नहीं चाहते, उनके पास टाइम ही नहीं है। चिल्ड्रन गैदर अराउंड द बेंच। बाकी बच्चे जो काम कर रहे थे वो बेंच के पास आ गए उनकी बातें सुनने के लिए कि मिस्टर नारायण से उनकी क्या बात हुई। अब विकास ने कहा, ही सेड दैट टाइम इज मनी एंड वी स्पोक सो वेल, टोल्ड हिम ऑल अबाउट इंडियाज इकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स। वो बोले कि टाइम जो है वो मनी है, मतलब और उनके पास टाइम नहीं है बात करने के लिए। हम उनसे बहुत बार बोले कि मतलब और इंडिया की इकोलॉजिकल प्रॉब्लम के बारे में भी बताए। इकोलॉजिकल प्रॉब्लम क्या होता है? इकोलॉजिकल यानी एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो। प्रिया, अबाउट द कटिंग डाउन ऑफ अवर फॉरेस्ट एंड कोरोजियन ऑफ अवर हिल्स। प्रिया कहती है कि जो हमारे जंगल कट रहे हैं और जिस तरह से पहाड़ों को भी हटाया जा रहा है, इस बारे में भी हम बात की है। विकास बोले, द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल्स एंड बर्ड्स, अवर नीड फॉर मोर ग्रीन सिटीज, मोर पार्क्स। जिस तरह से एनिमल्स और बर्ड्स एक्सटिंक्ट हो रहे हैं, एक्सटिंक्शन मतलब होता है कि उनकी प्रजाति खत्म हो रही है, तो उन्हें उस लिए एनिमल्स और बर्ड्स के लिए हमें ज़्यादा हरी सिटी और ज़्यादा पार्क चाहिए होंगे। प्रिया बोली, पार्क्स, ही आस्क्ड। वो लोग अपनी बातें बता रहे थे, तो जब वो लोग पार्क का नाम लिए तो नारायण ने पूछा, पार्क्स, आई नो व्हाट यू चिल्ड्रन डू इन पार्क्स। मुझे पता है कि तुम बच्चे पार्क में क्या करते हो, ट्रैम्पलिंग फ्लावर्स, रिपिंग डाउन ट्रीज। इफ़ आई गिव यू अ पार्क, यू विल टर्न इट इनटू अ डेजर्ट इन अ फ्यू डेज। बोलते हैं, मुझे पता है कि तुम बच्चे क्या करते हो पार्क में, फूलों के पेड़ को नहीं देखते हो, उसके ऊपर चढ़ जाते हो, पेड़ पे चढ़ते हो, फिर मतलब अगर मैं तुमको पार्क बना के दूंगा भी तो तुम उसे कुछ ही दिन में रेगिस्तान बना दोगे। अमन कहता है, टर्निंग टू द चिल्ड्रन इनटू अ डेजर्ट, डिड यू हियर दैट, मतलब हम डेजर्ट बना देंगे, सुना तुम लोगों ने। बच्चे बोलते हैं, लेट्स शो हिम, ही विल बी सरप्राइज्ड। बच्चे बोलते हैं, अब हम उनको दिखाते हैं, अब वो सरप्राइज हो जाएंगे। अतुल बोलता है, लेट्स गिव हिम इन द बेस्ट पार्क इन अवर टाउन। अब उनको इस टाउन का सबसे बेस्ट पार्क हम देते हैं। अमन ने कहा, लेट्स गो, चलो चलते हैं। और इसी के साथ सीन टू कंप्लीट होता है, जिसमें बच्चे वापस से गार्डन बनाने के काम में लग गए हैं। और सेकंड पार्ट में हमें पता चल रहा है कि मिस्टर नारायण नहीं माने हैं। अब हम चलते हैं थर्ड पार्ट की तरफ, सीन थ्री। इन द पार्क मैनी चिल्ड्रन आर बिजी टेंडिंग टू द प्लांट्स। सारे बच्चे अपने प्लांट्स को लगाने में बिजी हैं।
दे आर वीडिंग, वाटरिंग एक्सेट्रा, वो घास निकाल रहे हैं और पेड़ों में पानी डाल रहे हैं। प्रिया, विकास, जय, अमन एंड अतुल आर रिलैक्सिंग ऑन द बेंच, और ये कुछ बच्चे हैं जो बेंच पे रिलैक्स कर रहे हैं। प्रिया ने कहा, वी हैव मेड इट, वी हैव गॉट ऑल दैट वी वांटेड, अ फिश पॉन्ड। प्रिया ने कहा, हमने इसे बना ही दिया, आखिर हम जो भी चाहते थे वो सब हमने बना दिया है, एक पॉन्ड जिसमें फिश है। विकास कहता है, विथ लोटस एंड सम फिश, जिसमें कुछ लोटस है और कुछ मछलियाँ भी हैं। जय ने कहा, अ स्विंग, पॉइंटेड एट द बैक, पीछे की तरफ उसने उंगली करके कहा, स्विंग, झूला भी है। लुक हाउ द किड्स इंजॉय इट, देखो कैसे बच्चे उसे इंजॉय कर रहे हैं। आई थिंक वी हैव डन अ वेरी गुड जॉब, आई थिंक हमने बहुत ही एक अच्छा काम किया है। प्रिया ने कहा, आई वंडर वॉट मिस्टर नारायण वुड से इफ ही कुड सी द प्लॉट नाउ, मैं तो सोचती हूँ कि मिस्टर नारायण क्या बोलेंगे अगर वो ये प्लॉट यानी ये ज़मीन अब देखेंगे तो। विकास ने कहा, लुक, ओ नो, देखो, ओ नो, द साउंड ऑफ अ कार स्लोइंग डाउन एंड द ओपनिंग ऑफ अ डोर इज हियर। वो लोग ने क्या सुना, एक कार के आने का आवाज़ जो कि अब आ गया, तो उसका आवाज़ स्लो हो गया और ओपनिंग अ डोर इज हियर यानी दरवाज़ा खुल रहा है, इस तरह का भी वो लोगों ने आवाज़ सुना। अमन बोलते हैं, वाओ, लुक एट द कार। प्रिया ने कहा, एंड द ड्राइवर इन यूनिफॉर्म। अमन ने कहा, वाओ, कार देखो। प्रिया बोली, हाँ, और ड्राइवर भी है उसमें यूनिफॉर्म में। एंटर मिस्टर एंड मिसेस नारायण, दे वॉक टूवर्ड्स द बेंच लुकिंग अराउंड विद इंटरेस्ट एंड स्माइलिंग वार्मली एट द चिल्ड्रन। उतने में मिस्टर एंड मिसेस नारायण आते हैं और वो बेंच के पास जाते हैं गार्डन को देखते हुए और स्माइल करते हुए। विकास, कम ऑन, ग्रैब योर टूल्स, लेट्स गेट आउट ऑफ हियर, हरी, चलो जल्दी से अपना सामान उठा लो, यहाँ से हम भागते हैं, चलो जल्दी जल्दी। प्रिया ने कहा, क्विकली क्विकली फ्रेंड्स, रन बिफोर ही गेट्स होल्ड ऑफ अस, जल्दी दौड़ो, नहीं तो अगर उनको वो मतलब हमें देखेंगे तो वो डांट सकते हैं। तो बच्चे यहाँ पे डर के मारे यहाँ वहाँ अपना सामान उठा के भागने लगे। मिस्टर नारायण, स्टॉप, कम बैक, यस यस ऑल ऑफ यू। मिस्टर नारायण ने कहा, रुको सब लोग, वापस आ जाओ, हाँ तुम ही सबसे बात कर रहा हूँ। द चिल्ड्रन टर्न एंड हेजिटेंटली मूव टूवर्ड्स हिम, बच्चे मुड़े और डरते हुए उनके पास गए। मिस्टर नारायण ने कहा, क्विक क्विक, डोंट वेस्ट माई टाइम, टाइम इज मनी, अशोक ब्रिंग द साइन बोर्ड। उसके बाद मिस्टर नारायण ने कहा, जल्दी आओ सब लोग, ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करो क्योंकि टाइम मनी है। अशोक को उन्होंने ऑर्डर दिया कि साइन बोर्ड लेके आओ, द ड्राइवर एंटर्स विद अ साइन बोर्ड। यहाँ पे हमें पता चलता है कि ड्राइवर का नाम अशोक है, तो वो साइन बोर्ड लेके यानी एक बोर्ड लेके आता है। मिस्टर नारायण, टर्न इट अराउंड एंड शो इट टू अ मैडम। मिस्टर नारायण मुड़ते हैं और वो बोलते हैं अशोक से कि ये अपनी मैडम को दिखाओ बोर्ड। द ड्राइवर शोज हर द साइन बोर्ड, ड्राइवर अपनी मैडम को वो बोर्ड दिखाते हैं। मिस्टर नारायण सॉफ्टली टू हिज वाइफ, हाउ डू यू लाइक इट। मिस्टर नारायण अपनी वाइफ से सॉफ्टली पूछते हैं कि ये तुम्हें कैसा लगा। मिसेज नारायण यानी मिस्टर नारायण की वाइफ लुक्स एट द साइन बोर्ड देन रीड्स अलाउड, वो साइन बोर्ड को देखती हैं और ज़ोर से पढ़ती हैं, नैना देवीज चिल्ड्रन पार्क, ओह आई लाइक इट वेरी मच। वो बोर्ड का नाम, उस बोर्ड पे उस पार्क का नाम क्या रहता है, नैना देवीज चिल्ड्रन पार्क यानी नैना देवी के बच्चों का पार्क। ओह मुझे तो ये बहुत अच्छा लगा, थैंक यू डियर, व्हाट अ वंडरफुल सरप्राइज। और वो अपने हस्बैंड को थैंक यू बोलती है। मिसेस नारायण मोशंस द चिल्ड्रन टू कम क्लोजर, डू यू लाइक इट टू। और वो बच्चों के पास जाके बच्चों के पास से पूछती हैं कि क्या ये आप लोगों को भी अच्छा लगा। द चिल्ड्रन कम क्लोजर एंड लुक एट द साइन बोर्ड, बच्चे पास आते हैं और साइन बोर्ड देखते हैं, देन स्टार्ट टू जंप, और वो कूदना स्टार्ट हो जाते हैं, एंड शाउट विथ जॉय एंड हग ईच अदर, वो चिल्लाने लगते हैं खुशी से और एक दूसरे को हग करते हैं यानी गले लगाते हैं, और बच्चों को वो बहुत पसंद आता है। दैट्स ग्रेट, वाओ, बच्चे भी खुश हो जाते हैं। तो यहाँ पे बच्चों ने मिल के इस काम को कर दिखाया, वो एक खाली ज़मीन को, एक प्लॉट को एक पार्क बना दिए, और वो भी बहुत ही ब्यूटीफुल पार्क। ये स्टोरी समझ में आया बच्चों, कैसी लगी स्टोरी, अच्छी है ना, थैंक यू।